अस्सलामुअलैकुम, शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों, हुआवे ने अपनी पी सीरीज़ को लॉन्च किया था, P40, P40 Pro और इसके साथ एक P40 Lite भी देखने को मिला था। P40 Lite को चाइना के अंदर और कुछ और मार्केट्स के अंदर इसी नाम के साथ सेल आउट किया गया, जबकि ग्लोबली इसका नाम चेंज किया गया, हुआवे नोवा 7i कर दिया गया। चाइना की मार्केट के बाद पाकिस्तानी मार्केट और इंडिया की मार्केट के अंदर हुआवे नोवा 7i के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस वीडियो में नोवा 7i की स्पेसिफिकेशंस, पाकिस्तान के अंदर लॉन्च डेट और प्राइस क्या रखी जाएगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। चैनल पर नया चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। दोस्तों, हुआवे P40 सीरीज 30 जनवरी को अनाउंस की गई थी, जिसके बाद 14 फरवरी को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। अब यहाँ पे अगर नोवा 7i की डायमेंशंस की बात करें तो 159 मिलीमीटर की हाइट, 76.3 मिलीमीटर की विड्थ, जबकि 8.7 मिलीमीटर की यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलेगी। 183 ग्राम का यहाँ पे वेट निकल के आ रहा है। ग्लास फ्रंट होगा, प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम रखा जाएगा। यहाँ पे आपको हाइब्रिड ड्यूअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मजीद स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पे 6.4 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगी। 1080p रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और 398 की PPI डेंसिटी मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ EMUI 10 की सहूलत देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज मिसिंग है, गूगल प्ले सर्विसेज यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। चिपसेट को यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, हाई सिलिकॉन किरण 810 का प्रोसेसर लाया गया, जो कि 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड रखा जाएगा। 2.27 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाएगा। माली G52 का MP6 GPU देखने को मिलेगा। 8 GB की रैम और 128 GB की आपको यहाँ पे बिल्ट इन स्टोरेज मिल जाएगी। इसके साथ अगर कार्ड स्लॉट की बात करें तो आपको 256 GB तक का कार्ड यूज करने की सहूलत मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे शेयर्ड स्लॉट मिलने वाली है, यानी कि आप या तो सिम इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसके अंदर कार्ड इंसर्ट कर सकेंगे। कैमरा की बात करें तो रियर साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एफ अपर्चर 1.8 के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एफ अपर्चर 2.4, 2 मेगापिक्सल का एफ अपर्चर 2.4 के साथ मैक्रो कैमरा, जबकि 2 मेगापिक्सल का एफ अपर्चर 2.4 के साथ डेप्थ सेंसर रखा गया है। इसके साथ आपको LED फ्लैश देखने को मिलेगी। कैमरे के अंदर आपको HDR और पैनोरामा भी देखने को मिलेगा, जबकि 1080p की वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड हो सकेगी। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का एफ अपर्चर 2.0 के साथ वाइड कैमरा दिया गया है। HDR का फीचर्स देखने को मिलता है और 1080p की वीडियो आप 30 FPS पे फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। नोवा 7i की अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो आपको 4200 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 40 W का फास्ट चार्जर दिया जाएगा। 30 मिनट के अंदर 70% आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा, एडवर्टाइजमेंट में जैसे बताया गया है। तो यहाँ पे नोवा 7i के 3 कलर्स निकल के आ रहे हैं, मिडनाइट ब्लैक, क्रश ग्रीन और सेकुरा पिंक और वाइट कलर का ये मिक्सअप होगा। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, GPS, USB टाइप सी की केबल, लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर रखा गया है। इसके अलावा सारे आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जबकि FM रेडियो, इंफ्रारेड और NFC यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए। फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, सिम के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, 2G, 3G, 4G से लेके यहाँ पे आपको LTE बैंड तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। हुआवे नोवा 7i के हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो 6.4 इंचेस की स्क्रीन, 1080p की रेजोल्यूशन, 48 मेगापिक्सल का कैमरा 1080p की, जिसके साथ वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, 8 GB की रैम, हाई सिलिकॉन किरण 810 की चिपसेट, जबकि 4200 mAh की बैटरीज, जिसके साथ आपको 40 W का फास्ट चार्जर दिया जा रहा है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल रही है, जो कि गूगल प्ले सर्विसेज को लेके है, यानी कि आपको यूट्यूब, जीमेल और गूगल प्ले स्टोर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि हुआवे की इस डिवाइस के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। तो काफी लोग थर्ड पार्टी एप्स करके, यानी कि यूट्यूब हो गया, गूगल प्ले स्टोर वगैरह को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो सिक्योर प्रोसेस नहीं है। तो अगर आप ये चीज जानते हुए भी इस डिवाइस को लेने में इंटरेस्टेड है तो आप शेयर हैं भाई शेयर, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो बहुत जल्द पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाएगा। प्राइसिंग के वाले से बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको
55,000 से 56,000 की प्राइस में ये मोबाइल अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।